मॉर्निंग के स्टूडेंट पीएसटीसी बस्ती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो सिक्स पेपर है, जिसका नाम इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और इस पेपर के अंदर हमारी आपकी सेकंड यूनिट चल रही है, जिसका नाम है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, उसके क्या स्ट्रक्चर है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने चाह रहे हैं वो हमारे रीडिंग का टाइप्स यानी काइंड्स ऑफ रीडिंग या फिर टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो उसमें सबसे पहली जो हमारी रीडिंग आती है वो है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव रीडिंग के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंटेंसिव के जो एम्स है वो पढ़ेंगे, मीनिंग क्या है इसका, प्रोसेस क्या है इसका, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मीनिंग है वो है इंटेंसिव रीडिंग मीन्स अ मिनट एंड डिटेल रीडिंग। मिनट एंड डिटेल रीडिंग, जिसके अंदर हम डिटेल में रीडिंग करते हैं, एक मिनट की डिटेल में हम जो रीडिंग करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। और स्टडी ऑफ द प्रिस्क्राइब पोर्स टेक्स्ट, जो हमारे पास में हमें जो प्रिस्क्राइब किया जाता है टेक्स्ट, उसके अंदर से हम जो डिटेल स्टडी करते हैं उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड डिटेल रीडिंग, इसको हम डिटेल रीडिंग भी कहते हैं। इट कंसनट्रेट्स अपॉन लैंग्वेज इंफॉर्मेशन, ये जो हमें कंसनट्रेट करना सिखाती है वो लैंग्वेज इंफॉर्मेशन पे सिखाती है। एंड इट्स द ग्रेस्पिंग ऑफ द सेंस, और जो भी उसके अंदर सेंस होता है उसको हमारे सामने प्रेजेंट करती है। इट इज बाय इंटेंसिव रीडिंग दैट द प्रोज टेक्स्ट इज थॉट एट द प्राइमरी मिडल एंड हाई स्टेज, यही वो रीडिंग है जिसके द्वारा जो प्रोज जो हमारा पोर्शन होता है उसको जो प्राइमरी और हाई और मिडिल क्लासेस के अंदर हम इसी रीडिंग के माध्यम से प्रोज का प्रिस्क्राइब सिलेबस हम पढ़ाते हैं। इंटेंसिव रीडिंग कंसनट्रेट अपॉन, ये क्या करती है, कंसनट्रेट करना सिखाती है हमको। फिर है स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ग्रामर वर्ड ऑर्डर एंड सेंटेंस एंड स्टडी ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हमें जो स्टडी कराना सिखाती है वो इंटेंसिव रीडिंग। यानी इंटेंसिव रीडिंग में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ग्रामर वर्ड एंड अदर थिंग्स, इसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो इंटेंसिव रीडिंग के माध्यम से ही करते हैं। फिर है आपका गेटिंग इन्फॉर्मेशन, तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो भी हमें किससे मिलती है, इंटेंसिव रीडिंग से। तो इंटेंसिव रीडिंग आपको वापस बताती है कि इसको डिटेल रीडिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजेस है या स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये कॉन्सेंट्रेट करना हमें सिखाती है और इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वी गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटेंसिव रीडिंग। अब जो है प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, प्रोसीजर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग, जो इंटेंसिव रीडिंग है उसका क्या प्रोसीजर है उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले क्या है आपका, द इंटेंसिव रीडिंग बींग सो इम्पॉर्टेंट ऑन विच चीफली द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन द प्राइमरी मिडल एंड हाई स्टेज, क्योंकि जो रीडिंग है वो हम मेनली जो हायर क्लासेस है या प्राइमरी क्लासेस और मिडिल क्लासेस, तीनों क्लासेस में रीडिंग की आवश्यकता होती है। While teaching intensive reading, the following step should be followed. यानी कि हम जब intensive reading कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो हमारा procedure क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर आता है introduction. ठीक है, introduction आता है। तो introduction के अंदर क्या है, सबसे पहले द टीचर या pupil टीचर विल आस्क सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यानी कि जो विकासात्मक प्रश्न है वो pupil टीचर द्वारा पूछे जाएंगे, जो कि बेस्ड होंगे विच बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होंगे। द टीचर एक्सप्लेन द सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर या ऑफ द लेसन, जो भी उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड है या सोशल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है या आप मान लीजिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो वो सबसे पहले प्यूपल टीचर या टीचर उस चैप्टर के इन इन चीज़ों पर ध्यान देगा और उसको एक्सप्लेन करेगा। ही आज सम रिवीजन क्वेश्चन, वो रिवीजन क्वेश्चन पूछेगा पढ़ाने का, जो हम बहुत प्रश्न पूछते हैं। एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड नॉट लेस देन 3 और मोर देन 4, तो इसमें जो क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो 3 से कम नहीं होने चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा, उसके बाद में हम करेंगे प्रेजेंटेशन। इंटेंसिव रीडिंग में हमारा नेक्स्ट आएगा जो प्रेजेंटेशन। द टीचर रीड्स द पैसेज विथ करेक्ट इंटोनेशन स्ट्रेस
rhythm and pose. The pupil teacher will read the paragraph with proper intonation and pronunciation, stress, pose and rhythm. यानी इन सब की सहायता से वो अच्छे से पढ़ेगा, तभी जाके वो अपने लेसन को प्रेजेंट कर पाएगा. उसके बाद जो है हमारा, फिर वो करेगा लाउड रीडिंग. प्रेजेंट करने के बाद में वो करेगा लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग के बाद में वो करेगा आपका सेकेंड जो आता है आपका प्रेजेंटेशन के अंदर, ये आपकी आएगी लाउड रीडिंग. ठीक है, लाउड रीडिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ. फिर है आपका एक्सप्लेनेशन, फिर आएगा आपका रिकैप्चुलेशन. तो सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन देगा, एंड ही विल आस्क सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, देन ही विल प्रेजेंट द लेसन, ही विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड रिदम. देन ही विल आस्क टू स्टूडेंट टू रीड अ पैराग्राफ वन बाय वन विथ लाउडली. यानी कि वो बच्चों को एक एक करके बोलेगा, वो लाउडली पढ़ेगा. फिर ही विल एक्सप्लेन द होल पैराग्राफ्स मीनिंग, यानी वन बाय वन एक एक जो डिटेल आएगा उसका एक्सप्लेन करेगा. देन ही विल टू द रिकैप्चुलेशन. रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, आपका जो आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपके मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे कि मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने कहाँ तक इस चीज़ को समझा है. तो आज के लिए इतना ही. यदि आपको इसमें समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.